हेलो। हाँ सर, वो मैंने प्रपोजल और प्लान दोनों मेल कर दिए आपको, प्लीज चेक कर लेना। ओके सर, थैंक यू। देख, अपना खून अपना ही होता है। कितनी मेहनत कर रहा है रॉकी पुत्र अपने वड्डे प्राप के सपना नु पूरा करने वास्ते। कल्ला ही लग गया हुआ है बेचारा, खुद से, दुनिया से, समाज से, सबसे भिड़ गया है। काश कोई होता चिंटू जैसा जो इसका साथ दे पाता। तू यहां पे? बब्बी, सब ठीक तो है ना? ओह, समझ गया, प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आए हो तुम लोग। रॉकी, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स लौटाने नहीं आई, मुझे तुझे एक बात बतानी। आज से क्या, अभी से तू और मैं मिलकर चिंटू जी का सपना पूरा करेंगे। चिंटू जी ने 50% हिस्सा मेरे नाम लिखा था ना, तो वो मैं लौटा नहीं रही। हम दोनों मिलके उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इस पेपर्स के हिसाब से तो 50% की मालिक तू है। तू मजाक कर रही है ना? देख अभी, मैं तेरे घर पे आया था, तुझसे बात भी की थी और तुमने मुझसे बोला था, धड़ल्ले से बोला था कि मैं पेपर साइन कर दूंगी। अभी सडनली तू बोल रही है कि तू साइन नहीं करेगी, तू 50%। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तू ऐसा एकदम से नहीं आ सकती और बोल सकती ऐसा। रॉकी, आराम से बात करते। अरे आराम तो हराम कर रखा है इसने। सुना नहीं तूने क्या बक रही है? बीजी, आप और रॉकी मुझे गलत समझ रहे हो। हमें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं लौटा, पर मैं ये कह रही हूँ कि मैं और रॉकी इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम करेंगे, हम मिल के मेहनत करेंगे। मैं मदद करना चाहती हूँ आप सबकी। किसने बोला तेरी हेल्प चाहिए हमें? देख हैप्पी, ऑलरेडी बहुत बसूरी है लाइफ में, बहुत सारे रायते समेटने हैं मैंने, तू और दिक्कत खड़ी मत कर। जैसे तूने प्रॉमिस किया था, अपना प्रॉमिस पूरा कर और शेयर लौटा वापस, और उसके बाद जो करना है तुझे कर, और उसके बाद संभाल अपने परिवार को, और सेम टू सेम मुझे भी करने दे। बहुत कुछ खोया है हमने ऑलरेडी। खोया तो मैंने भी है ना रॉकी, और चिंटू जी हमेशा से चाहते थे कि उनका होटल वाला सपना साकार करने में मैं उनकी मदद करूं। तूने देखा है ना वो वीडियो, भूल गया? मैं तो सिर्फ मदद ही करना चाहती हूँ, क्यों मुझे मदद नहीं करने देना चाहता तू? हैप्पी बस कर, जब से पैदा हुआ हूँ ना चिंटू भाई भाई है मेरे। और तेरी शादी कितने दिन की है? एक दिन की शादी पे तू हक जमा दिया अपना, उनके सपने पे, उनके होटल पे, आधा हिस्सा हो गया तेरा। रॉकी, लीगली देखे तो हैप्पी का हक बनता है। चिंटू बहुत श्योर था कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो 50% का जो भी शेयर आएगा वो हैप्पी के खाते में जाएगा। लीगली ये करेक्ट है, तुझे मानना पड़ेगा। नहीं मानता मैं, जा। हाँ तो तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, जो कानून है वो रहेगा तेरे लिए, बदल नहीं जाएगा, समझा? दिखा दिया ना इसने अपना असली रंग। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये लड़की कितनी भी शरीफ दिखे पर इसकी नीयत में ही खोट है। इसकी तो लॉटरी लग गई है ना। चिंटू ने अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी और चला गया, और क्या चाहिए इसे? इसका मतलब बीजी, शुरू से इसकी नजर प्रॉपर्टी पर थी। इतना सब कुछ हो गया, अब तो चैन से रहने दे हमें, चली आई प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। किस मिट्टी की बनी है तू? जा यहां से। रॉकी, बाकी सब कुछ बब्बी जी तुझे डिटेल में बता देंगे कि पार्टनरशिप कैसे वर्क करेगी।
मोटी मोटी बात यह है कि अब इस प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर तू लेगा तो तुझे मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा और मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेरी रजामंदी के बिना तू कोई फैसला नहीं ले सकता। वाइस वर्सा मैं भी इस प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन तेरी रजामंदी के बिना नहीं ले सकती। आई बात समझ? क्या हुआ रॉकी? गुस्सा आ रहा है? अभी भी टाइम है, छोड़ दे गुस्सा, दोनों मिल के काम करते हैं। देख हैप्पी, मैं सुधरा हूँ, बदला नहीं हूँ। तू मुझे मजबूर मत कर पुराना रॉकी बनने के लिए। अब तो कर दिया, जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों ही लालची है एक नंबर के। लालच? कौन से लालच की बात कर रहे हैं आप बीजी? ये मत भूली, इस वक्त ये पूरा घर कर्जे में डूबा हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। और ये मत भूलिए कि इस घर को, इस सबको बचाने के लिए मैं सबको झोंक देने वाली हूँ अपना इसमें। और मम्मी की बात कर रहे हो? मम्मी तो चाहती नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँ। हाँ तो नहीं आना था ना हैप्पी? क्यों आई है? क्या सोच के आई है? किसने बोला है तुझे आने के लिए? तू भरेगी हमारा कर्जा? क्या कौन है कौन तू? तू MBA है या होटल का बिजनेस संभाले तेरे बाप दादाओं ने, या तूने होटल चलाया है कभी जिंदगी में? तूने संभाला है होटल? बोल। बस हैप्पी, एक शब्द भी और मत बोलना, चुपचाप से हमें हमारा हिस्सा दे और चलती नजर आ। ये होटल पूरा हमारा है, 100%। रॉकी, और तेरा कौन सा 50% है जो तू इतना हक से मांग रहा? 50% जो है वो हैप्पी के नाम से है, बाकी 50% मेरे नाम पे है, समझ गया? हैप्पी, तू चल, तुझसे कुछ बात करनी है अकेले में। मैं तो पहले ही कह रही थी, पुतनी है एक नंबर की, हम सारे नु बर्बाद करके ही छड़ेगी। बाहर वालों से तब लड़ू ना जब घर वाले मुझ पे भरोसा करेंगे। पता नहीं कब पापा जी को मुझ पे भरोसा होगा। अबे यार, मैं अभी तक ये सोच रहा था कि ये लड़की के साथ मैंने जो भी कुछ किया ना वो गलत किया था। इतना सब सोच रहा था मैं, और अब मुझे लग रहा है कि मैं सही था इसके बारे में। कहीं ना इसके दिमाग में कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। और पापा जी, इस वक्त सब बिखरा हुआ है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। सब कुछ समेटने में, ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा। हाँ हैप्पी, पर तू समझ नहीं रही है, वो एक लड़की होने के नाते ये सब बिजनेस वगैरह संभालना, काम करना। जी, अपनी जॉब के दूसरे दिन ही 50 वाटर प्यूरिफायर बेचे थे मैंने। लड़की छोड़, किसी लड़के ने भी आज तक ये नहीं किया, रिकॉर्ड बनाया मैंने। मैं मानती हूँ पापा जी कि आपकी सोच ये है कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए। चलो, आपके घर की ये सोच होगी, पर पापा जी ये वक्त है सोच और समझदारी में से किसी एक चीज को चुनने का। और समझदारी इसी में कि हम मिलकर हालात का सामना करें, ताकि कल को सिम्मी और गुग्गी को परेशानियां ना झेलनी पड़े। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे करने दीजिए। और भाटिया जैसे शातिर, चालाक, घटिया और ताकतवर इंसान से लड़ना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है। चलो, मैं मानती हूँ रॉकी और मैं मिलके भले एक और एक 11 नहीं हो सकते, पर एक और एक 2 तो हो सकते, और एक से भले 2 होते हैं ना पापा जी। पापा जी, पापा जी, पानी। पापा जी, आप ठीक है? हाँ। चलिए पापा जी, मैं मानती हूँ आपको मुझ पे भरोसा नहीं,
और आपको चिंटू जी पे तो भरोसा है, अपने बेटे पे चिंटू जी ने मुझ पे भरोसा किया था, उनके लिए मुझ पे भरोसा कर लीजिए प्लीज। इसका मतलब कि तू चिंटू की खातिर हमारी फैमिली की मदद करने को तैयार है? पापा जी! पापा जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा जी, आप प्लीज दरवाजे के अंदर जाइए। पापा जी, प्लीज। मेरा चिंटू बहुत ही होनहार था। उसकी हर बात पे, उसके हर फैसले पे मुझे पूरा भरोसा था, इसलिए आज उसकी खातिर, उसके भरोसे पे भरोसा करने की खातिर मैं तुझे और अपने आप को एक मौका देने को तैयार। सच्ची पापा जी? हाँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस फैसले के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं पापा जी, आपको अपने डिसीजन पे कभी पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको गर्व होगा। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए पापा जी। चलती हूँ पापा जी। और डैड रॉकी तो ना बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बोल बोल के थक गई मैं उसे कि आपने कुछ नहीं किया है, आप सिर्फ उसकी और उसकी फैमिली की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। पर नहीं, उसे अपने दिमाग में एक बात बिठा ली तो बिठा ली कि आपने उसके पापा को मारने की कोशिश की। As if you're a criminal. ओ बेटा, गलती तो कर ही रहे, क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसे हाल में उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, बच्चा है अपना। अब तो मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है उसकी, जब से मुझे ये नए डेवलपमेंट के बारे में पता चला है। क्या डेवलपमेंट डैड? सुना नहीं तूने? रॉकी ने बताया नहीं तुझे? क्या? वो हैप्पी ने अपने असली रंग दिखा दिए। हैप्पी? हाँ, 50% प्रॉपर्टी नाम कर गए थे चिंटू भैया उसके, और अब वो प्रॉपर्टी लौटाने से मना कर रही है। बोलती है वो होटल वाला बिजनेस नहीं उनका, कहती है उस पर साथ में काम करेगी। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं होने देना। पूरा इंतजाम कर देता मैंने। पूरे शहर में रॉकी को कुछ चवन्नी तक नहीं देगा बिना मेरी मर्जी के। ऊपर से हैप्पी का गुडलक आकर और बैठ गया उसके सर पर। आना तो उसको मेरे पास ही पड़ेगा झक मार के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।